मई माह के दौरान शहर के घनी आबादी वाले इलाके मारू मोहल्ले में पंडित राजेंद्र जोशी के सुने मकान में हुई चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से करीब 1,00,000 रुपए मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पंडित राजेंद्र जोशी के मारू मोहल्ला स्थित घर से चोरी हुई थी। चोरी के दौरान पंडित जोशी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। 19 मई को लौटने पर घर का ताला खुला देख पुलिस को सूचना दी गई। पंडित जोशी ने शिकायत में बताया था कि उनके घर से 1,00,000 रुपए नकदी व 3,50,000 रुपए के आभूषण चोरी गए हैं। मामले में पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर चोरों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आनंद उर्फ अन्ना पिता उल्लास पाल और राजपिता सुरेश वर्मा दोनों निवासी राधा कृष्ण मंदिर पहाड़ सिंहपुरा को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में इन्होंने अपने एक और साथी हरिओम के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जोशी जी की एक बड़ी नकबजनी हुई थी। उस सिलसिले में स्थानीय लोगों ने भी हमसे मिलकर चिंता प्रकट की थी। उसमें थाना कोतवाली के जो विवेचक थे सब इंस्पेक्टर अजय दुबे, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस नकबजनी में जो गैंग शामिल था वो लोकल गैंग था। इसके 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और नकबजनी में जो उनकी प्रॉपर्टी गई थी वो मूल रूप में कई सारे आइटम मूल रूप में बरामद हुए हैं। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और मुझे लगता है कि इनको अभी रिमांड लेके जब पूछताछ की जाएगी तो इस क्षेत्र में हुई और जैतापुर चौकी क्षेत्र में हुई कुछ और नकबजनी घटनाओं का खुलासा होगा। इनका जो ग्रुप है उसमें एक जो प्रोमिनेंट आरोपी अभी फरार है उसकी गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।